मड ऊपर ट्रांजिशन एक फ्लूट बिगिनर के लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग एरिया होता है, जब भी आप नए नए हो और आपको बेसिक पता हो सारे गामा पता नहीं सा, बट मड ऊपर ट्रांजिशन जब भी आप बजाने की कोशिश कर रहे हो तो वहां पर आपको दिक्कत आ रही है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप मड ऊपर ट्रांजिशन को ठीक से सॉल्व कर सकते हो। सो अगर आपने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आई वुड हाईली रिकमेंड दैट फर्स्ट यू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड if you like the content click on the like button so that you get such more interesting insights about how to learn flute. to is video ko main hindi mein rakhunga so that aap sab log acche se samajh sako. so what are the basic things jab hum seekhte hain tabhi म से प जब भी हम जाते हैं तब नॉर्मली हम म के टाइम पर फ्लूट को सिर्फ 10% ओपन करते हैं हमारी फर्स्ट फिंगर को, सो हम म बजाएं, और प के टाइम पर हम सारी फिंगर्स को क्लोज करते हैं सो दैट यू गेट टू नो द हाउ टू प्ले फ्रॉम म टू प। मर्ट ऊपर ट्रांजिशन करने के टाइम पर हमें आपकी ब्लोइंग को कंटिन्यूअस रखनी होती है, हम ब्लोइंग को कट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले तो आप कॉन्शियसली सोचिए कि आप क्या म से प ट्रांजिशन में आप ब्लोइंग कट कर रहे हो क्या। बहुत बार मैंने देखा है कि लोग को जब मैं पूछता हूं तो वो लोग बोलते नहीं नहीं हम तो कंटिन्यूअस बजा रहे हैं, बट जब मैं सुनता हूं तो सबकॉन्शियसली वो लोग कट कर रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं चल रहा है कि वो ब्लोइंग कट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो पहले तो आप देखिए कि आपकी ब्लोइंग कट हो रही है क्या जब मर्ट ऊपर बजा रहे हो तभी, तो पहले ब्लोइंग को कंटिन्यूअस रखिए। दूसरी चीज, आपकी फिंगर्स को बहुत दूर मत रखिए। सो बहुत बार जब भी हम बजाते हैं तभी हम पूरी फिंगर्स को खोल देते हैं और फिर रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि म और प बैक टू बैक है, बट म के लिए सारी फिंगर्स ऑलमोस्ट ओपन होती है और प के लिए सारी फिंगर्स सारी क्लोज होती है। एज अ बिगिनर हमें वैसे भी फ्लूट को फिंगर्स को कहाँ पे रखनी होती है वो थोड़ा बैलेंस करने में थोड़ा वक्त लगता है। उसमें अगर आप बहुत ज़्यादा दूर कर लेंगे आपकी फिंगर्स को और फिर रखने की कोशिश करेंगे तो वो आपकी फ्लूट उस टाइम पे हिल जाएगी और आपके स्वर भी हिल जाएंगे और आपको ऐसा फील आएगा कि आपके मर्ट ऊपर ट्रांजिशन बहुत डिफिकल्ट है। सो कोशिश कीजिए कि आपकी जो मर से प की जो जर्नी है उसके लिए आप बहुत कम फिंगर्स ओपन करें। तो सबसे पहले मैंने बताया आपकी ब्लोइंग को कंटिन्यूअस रखिए, दूसरी चीज मैंने क्या बताई आपकी जो फिंगर्स है वो आप उसको जितनी हो सके उतनी कम ओपन करें सो दैट आपको उतना वक्त ना लगे क्लोज करने के लिए भी, और आपकी फिंगर की जो बैलेंस है वो भी आप हिले नहीं वहां से। तीसरी जो एक मैं टेक्निक कहूंगा, ये अगर आप काफी टाइम से नहीं बजा रहे हो या अगर आप बेसिकली अगर आप बिगिनर हो और आप ने नई नई शुरुआत की है तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आपने ऑलरेडी सीखते आ रहे हो काफी टाइम से और आप अगर आप ये फॉलो नहीं कर रहे हो तो शायद आपको इनिशियली थोड़ा डिफिकल्टी होगी, और वो टेक्निक ये है। अगर आपको ये पॉइंट माइंड ब्लोइंग लगे तो आप प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए माइंड ब्लोइंग, बिकॉज दिस इज अ टेक्निक विच वेरी फ्यू पीपल नो। इन द टेक्निक इज दैट जब भी हम म या ग बजाते हैं तभी ये तीन फिंगर्स को नीचे रख दीजिए। जब भी हम फ्लूट पर ग या म बजाते हैं तभी अगर आप ये तीन फिंगर नीचे रख देंगे उससे आपकी ब्लोइंग को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, योर स्वर विल स्टिल बी करेक्ट। और जब भी आप म से प जाते हो तभी क्योंकि आपकी ऑलरेडी तीन फिंगर्स क्लोज्ड है आपको सिर्फ बाद में ये दो ही फिंगर्स नीचे रखनी होती है, क्योंकि आपकी म की फिंगर्स तो ऑलरेडी 90% क्लोज ही होती है क्योंकि आप शुद्ध म बजा रहे हो, और आपको सिर्फ ये दो फिंगर्स इस हाथ के नीचे रखनी होती है टू गेट द प, बिकॉज लास्ट की तीन फिंगर्स तो आपने तभी नीचे रख दी थी जब आप ग पर थे। Thank you.
आपकी लास्ट थ्री फिंगर्स टाइम पर नीचे रख देते हो तो आपकी सडनली जो ब्लोइंग है वो जो ट्रांजिशन है वो बहुत ही स्मूथ हो जाएगी। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आप अवरोह बजा रहे हो, विच इज आप तार सप्तक सा से जब भी आप नीचे की तरफ आ रहे हो, तभी आफ्टर म आपको ये कॉन्शियसली याद रखना है कि आप तीन फिंगर उठा लो। अगर आपने ये नहीं उठाई और अगर आपने ये रे बजाया तो ये गलत रे बजेगा, ये गलत हो गया। तो देयर इज अ डिफरेंस इन साउंड। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस। तो ध्यान रखना कि जब भी हम आरोह बजा रहे हैं तो ग के टाइम पर आप नीचे रखते हो, और जब भी अवरोह बजाते हो तभी आप म के टाइम पे या ग के टाइम पे आप वापस उसको उठा देते हो, ताकि आपका रे और सा गलत ना बजे। अगर आपने ये नहीं किया तो रे और सा गलत, उसका टोन चेंज हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। तो ये टेक्निक कॉन्शियसली आपको काम करना है। अगर आप ऑलरेडी सीखे जा रहे हो और आपने ये अभी तक नहीं सीखा हो, तो पहले तो मैं कहूँगा कि बहुत स्लोली ये प्रैक्टिस करो, मर्ट पर बहुत ही स्लोली। मतलब आप इस स्पीड में जब भी आप करोगे तो आपके माइंड को टाइम दोगे सोचने के लिए कि आपको कभी आपकी फिंगर्स नीचे रखनी है। अगर आप फास्ट करने की कोशिश करोगे तो इस टाइम पर आपको समझ में नहीं आएगा फिंगर्स कभी नीचे रखनी है, आप कंफ्यूज हो जाओगे और गलत जगह पे गलत फिंगर रख लोगे। तो प्ले स्लो, बहुत ज़रूरी है कि आप स्लो बजाओ, और बहुत ज़रूरी है कि आप कॉन्शियसली बजाओ कि आप कौन सी फिंगर को कभी लिफ्ट करनी है। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपकी फ्लूट गलत ही बजेगी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मैं अपनी कम्युनिटी में बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेस देता हूँ जो मेरे कम्युनिटी में जो मेरे साथ सीखते हैं हर हफ्ते में। सो अगर आपको मेरी कम्युनिटी के बारे में जानना है, विच इज़ कॉल्ड फ्लूट सॉन्ग मास्टरी, अच्छे अच्छे गाने सीखने हैं, टेक्निक सीखनी है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर जो लिंक दी हुई है वहाँ पर क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हैं मेरे सेशन के लिए। और अगर मेरे साथ आप सीखना चाहते हैं तो यू कैन बी पार्ट ऑफ माई कम्युनिटी एंड यू कैन लर्न स्टेप बाय स्टेप this beautiful instrument and go from your journey of an absolute beginner to an advanced level step by step. So looking forward to see you in my next video and help you learn some of the most amazing techniques how you can learn this beautiful instrument. Thank you so much.